जय हिंद दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। शुरुआत करना चाहता हूँ एक छोटे श्लोक से। यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्, लोचनाभ्यास विहीनस्य दर्पणः किम् करिष्यति। एक बार की बात है, एक बार एक शेख चिल्ली किसी यात्रा में जा रहा था। काम उसके घर का था, उस अपने घर को बेचना था और इसीलिए वो बहुत दूर किसी टापू में जहां उसका घर था उसे देखने की इच्छा से गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो अचानक भीषण बाढ़ आ गई, पूरा समुद्र एकदम ऐसा लगा मानो उसका प्रलयकाल बनकर आ गया। उसे डर लगने लगा तो उसे कोई युक्ति न सूझी। जब उसे सामने अपना मौत नजर आया तो उसने भगवान से दुआ मांगी, हे भगवान मुझे बचा ले आज, अगर तूने मुझे बचा लिया तो हे भगवान मैं तुझे वचन देता हूँ कि जब मैं जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उस घर को बेचकर जो कोई मूल्य मुझे प्राप्त होगा भगवान मैं तेरे चरणों में डाल दूंगा। और जब शेख चिल्ली पर भगवान को दया आई तो भगवान ने कहा चलो ठीक है बच्चे आज मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। भगवान ने उसे मुक्त कर दिया और कुछ जैसे तैसे वो नाव को पार कर अपने महल की तरफ पहुंच गया। वहां पहुंचा तो उसे याद आया रे उसने ये क्या कर डाला। उसने भगवान से प्रार्थना कर डाली और भगवान को प्रॉमिस कर डाला कि भगवान जो कुछ धन मुझे मिलेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे तो मैं बिक जाऊंगा। उसने युक्ति लगाई और घर की बोली के लिए उसने लोगों को बुला लिया। बहुत सारे लोग उसके सामने आए, उसने कहा सज्जनों आज मैं आपको ये घर बेचना चाहता हूँ और आपको जानकर हैरानी रहेगी कि इस घर का मूल्य मात्र 1 रुपया है, लेकिन जो कोई इस घर को खरीदेगा उसको उसके साथ एक मेरी बिल्ली है, उस बिल्ली को भी खरीदना पड़ेगा जिसका दाम मात्र 50 करोड़ रुपए है। तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन क्योंकि जिसको घर पसंद था उन्होंने उस घर को खरीद लिया 1 रुपए में और साथ में एग्रीमेंट रेडी हो गया बिल्ली। और शेख चिल्ली बड़ा खुश हुआ, बोला भगवान को चुनाना है और भगवान के पास गया। भगवान इस घर का दाम तो मुझे केवल 1 रुपया ही मिला और 50 करोड़ रुपये अपनी जेब में डाल दिए और भगवान को उससे लगा मैंने भगवान को चूना लगा दिया। अब दोस्तों ये आपको सोचना कि चूना उसने भगवान को लगाया या चूना उसने अपने आप को लगाया, ये कहानी बड़ी छोटी सी है और श्लोक जो मैंने पहले आपको बताया उस पर जरा विचार करिएगा। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।